खुश हो रहा हूँ, नए शूज लिए यार, होती है एक्साइटमेंट होती है। मजेदार बात यह है कि अभी हमने फैन ऑन ही नहीं किया है इसका, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में सबसे। 24 कैरेट गोल्ड जो मैं फेस पे लगेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं आज लगी हुई है तेज वाली धूप और मौसम एकदम साफ सुथरा है, हल्की गर्मी है बाहर, हमारे रूम तो एकदम ठंडे हैं। बाकी बच्चों के चले हुए हैं एग्ज़ाम्स, तो अभी ये रात का टाइम है और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। दोनों अपनी अपनी तरह से पढ़ना पसंद करते हैं, आपको तो पता ही कि बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं ना। और ये मुझे बता रहे थे कि बोला, कोई लिख रहा था कि इनके लिए स्टडी टेबल तो ले लेना चाहिए कम से कम, तो स्टडी टेबल तो है ना इनके पास लेकिन ये लोग यूज़ नहीं करते। जैसे देखिए आप, मिट्टू को बेड पे ही पढ़ना है और इसने रखा हुआ है साइड में, इसको भी अपनी तरह से पढ़ना है। इसके अलावा खाने में आज ये ब्रेकफास्ट रूटीन है, तो आज बनी थी जो तोरी होती है ना, हम लोग तो घंघेरी भी बोलते हैं इसको, एक सॉफ्ट छिलके वाली होती है और एक हार्ड जैसे छिलके वाली होती है, तो ये सॉफ्ट छिलके वाली है। और अपनी अपनी जगहों पे देखिए अलग अलग नामों से प्रनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे तड़का हो गया था रेडी और ये डाल दी फिर जी काट के। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गर्म है, काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है ये देख सकते हो। और शानू मिठू को स्कूल में छोड़ के आ गया, उनका आज सेकेंड पेपर है, तो अभी चलते हैं घर के अंदर, घर के अंदर देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ओ भाई वंदना, ओ माय गॉड, कोई है ही नहीं है। अरे ये क्या कर रही है, सुबह सुबह स्पाई, सुबह सुबह ही होती है स्पाई, क्या गल ली हो मुनिये, फिर कौन करता है सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले काम होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके बच्चे कभी इधर कभी उधर कागज जो कुछ भी। सुबह सुबह ना शानवी बोल रही मेरे पेट में दर्द, फिर गया मैं टेबलेट लेके आया, फिर उसको टेबलेट खिलाई। यार आ जाओ, तो आ जाओ जल्दी आओ, फिर करते हैं कुछ और नया चीज़ और दिखाते हैं आपको भी। तो ओवरऑल चली हुई है साफ सफाई, वैसे रोज करने चाहिए साफ सफाई, है ना वंदना। वंदना तो चलो रोज ही करती है, पूछते हैं इसी से, रोज ही करती है। आपको नहीं लगता पता? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो वॉक करके आया हूँ। अरे यार जब मैं वॉक करके आता हूँ क्या होता है, उस वक्त फटाफट कर दिया। तो आपको दिखता नहीं है कि भी साफ सफाई हो रही है? वो घर तो साफ ही रहता है यार, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चों के घरों में तो ऐसा ही थोड़ा बहुत तो चलता है, क्योंकि बच्चे हैं कभी यहाँ की चीजें उठा के यहाँ फेंक देते हैं, यहाँ की चीजें वहाँ फेंक देते हैं। मैं थोड़ा जिम कर लेता हूँ यार, एक्सरसाइज। परिदेव आ गए एक लंबी सी वॉक करके और अब इसके बाद ये सीधा करेंगे अपना जिम रूटीन जो भी उनका है। और मैं अभी क्लीनिंग रूटीन ही मेरी चली हुई है, पहले मैंने अंदर के कमरों को अच्छे से साफ किया, फिर बाहर की तरफ को आ गई और तेज़ वाली धूप लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्या पहले पौधों को पानी दे देती हूँ ना, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है और बेचारे पौधे ऐसे ही सूख रहे हैं। अभी टाइम लगभग 9 बजे के आसपास का हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे खड़ी दोपहरी है, तो मैंने पहले पानी निकाला और पौधों को देना शुरू किया। हाँ, मैं भी अपना वेट लॉस करने का सोचती डेली हूँ। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि जैसे जब भाई की शादी थी ना, तब भी मैं हार्डली 3 से 4 दिन ही अपना रूटीन फॉलो कर पाई थी, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने लूज़ कर लिया था, मतलब जो ड्रेसेस मैंने बनवाई थी ना उस हिसाब से सब फिट आ रही थी, तो वहीं से पता चल जाता है, देखिए खुद का पता चल जाता है खुद को कि हम कितने पानी में हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी हो गया था। लेकिन फिर देखिए शादी में भी मतलब रेगुलर चावल ही खाए, फिर उसके बाद फिर दोबारा मतलब मैंने अभी वेट लॉस रूटीन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुझे पता क्या होता है, कईयों के शरीर होते हैं ना ऐसे कि थोड़ा सा भी आप सूखी रोटी भी खाओगे तब भी लग जाएगा, तब भी मोटे होते चले जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। और खाने की मैं वैसे भी शौकीन हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं खा भी लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि खाती नहीं हूँ ऐसे ही मोटी हूँ, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत भी खाती हूँ ना वो भी एकदम से लग जाता है। तो चलिए अभी बहुत जल्दी मैं अपना वेट लॉस रूटीन फिर से शुरू करूँगी। और यहाँ पर ये छोटू सा पपीता जो हम लेकर के आए थे उस दिन ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अभी पक गया था, एक दो दिन हमने इसको हाथ में लगाया था और इसका मैंने बनाया फिर अपनी स्किन के लिए एक क्रीम बनाया है जो कि मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पर शेयर किया है। एंड ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा अच्छे हैं ना इसके रिजल्ट्स, जैसे देखिए टैनिंग हो ही जाती है। अभी हम लोग कमरूनाग जब गए थे ना, तो उसके बाद मेरी फेस पे भी काफ़ी टैनिंग, क्योंकि मैं भी बहुत कम निकलती हूँ ना इतनी तेज़ धूप में, तो एकदम बर्निंग सेंसेशन की तरह मतलब स्किन मेरी रेड जैसी हो गई थी। तो मैंने रेगुलर स्किन
केयर करती रही, बहुत फ़र्क पड़ता है जो नेचुरल रेमेडीज़ आप लगाते हो, तो वो मैं दूसरे चैनल पे शेयर करती हूँ अगर आप देखना चाहें तो। मंगवाएं अपने लिए शूज़ वुडलैंड के। वाह जी वाह, क्या बात है, आपके वुडलैंड के शूज़ आ गए। ये देखिए, आपको यही पैटर्न अच्छा लगता है हमेशा? यही अच्छा लगता है, क्या करना। इनके पास जो भी शूज देखे ना मैंने आज तक, वो सारे वुडलैंड के ही और इसी पैटर्न में लेकर के आते हैं ये। क्यों? और मैं हमेशा इनको ये बोलती हूँ, क्या इतने ज्यादा, मतलब मेरे को ना देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत हैवी होंगे, बट लाइट होते हैं ना ये। लाइट है, हाथ लगाना ये देख। हाँ लाइट है, पर लगता है मतलब ऐसे। अच्छा ये अभी उद्घाटन करेंगे इनका पहन के, कहाँ जाने के। तो कौन सा साइज मंगवाया था? 8 नंबर। नहीं ठीक है, अच्छा कितने के पड़े फिर आपको? एक डिस्काउंट चला हुआ है, 4000 रुपए रेट है एमआरपी का। डिस्काउंट चला हुआ है तो हाँ। नीचे लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट करना कि किस तरह से डिस्काउंट चले हुए हैं। और सही बात है, ब्रांडेड चीजों को ना डिस्काउंट के टाइम पे खरीद लो तो सही मिल जाती है, है ना? वही ना। ये ब्राउन कलर है एक्जेक्टली, वही जो आ रहा है कैमरा में। वाह जी वाह, क्या बात है आपके शूज की। थोड़ा आगे एक दो कदम लेके आए जरा, नहीं इतनी जॉगिंग करने की जरूरत ना है जितनी आप करने लग गए ना, उतनी तो नहीं है जरूरत। थोड़ा खुश हो रहा हूँ, नए शूज लिए यार, होती है एक्साइटमेंट होती है कि नए शूज, कोई भी चीज नहीं लेते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि नहीं यार मेरे पास भी नए जूते आ गए, है ना। तो इसी बात पे हो जाए फिर ताली। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकेले अकेले शॉपिंग कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं शॉपिंग करता हूँ तो साथ में वंदना को भी करा देता हूँ। तो जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मैंने अपनी पसंद से इसको 2 नेकलेस ले लिए हैं। ये एक ये वाला है, ये ऐसे दिखा देता हूँ और खुद वंदना पहन के दिखा देगी आपको। और दूसरा ये है, क्योंकि लेडीज के होते हैं ना कि भैया पहनना पहनना जो भी है, मेरा काम था बस चूज करके इसको देने का। और ये खुद चल बनना, बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, आजकल शॉपिंग ही करने की, ये करने की, ऐसा किस खुशी में? खुशी कोई नहीं होती, दिल करता है मैंने अपने लिए ले रहा हूँ तो भाई दूसरों के मतलब तेरे लिए ले लेता हूँ। ठीक है मैं पहन के। देखिए ये पर्ल नेकलेस है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है किसी भी ड्रेस के साथ, इवन साड़ी लहंगा के साथ भी आप इजिली वेयर कर सकते हैं। और ये इसके इयर रिंग है जो कि इसके साथ मैचिंग है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। इसके अलावा जो दूसरा वाला नेकलेस है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा फिर दूसरे वाला नेकलेस जो कि बहुत ही प्रीटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। साड़ी के साथ, लहंगे के साथ इसे वियर किया जा सकता है, इवन जो शॉर्ट नेकलेस होता है ना उसके साथ भी इसे वियर किया जा सकता है। इसके साथ आए हैं देखिए ये वाले झुमके जो कि बहुत ही प्यारे हैं देखने में, और इन्हें भी सेपरेटली भी इनको किसी भी कुर्ती के साथ या जैसे भी आप वियर करना चाहें ना कर सकते हो, और बहुत ही प्यारे हैं। इधर ये मोती मोती लगे हुए हैं, बाकी मरजेंटा कलर के साथ, ये जो आप देख रहे हो तो मरजेंटा कलर के साथ इसे पेयर अप किया गया है जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है देखने में और हर किसी कलर के साथ बहुत ही सही लगेगा। तो इस तरह के ये झुमके हैं और बाकी इस तरह का ये नेकलेस। फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक अच्छा वाला कॉटन वाला कुर्ता लिया, वो है लाइट ग्रीन कलर में, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है, ठीक है। और मैंने सोचा कि आपको फैमिली को दिखा देता हूँ। और ये पूरा तोते वाला कलर है, अब मैं तोता बन के उड़ने वाला हूँ ऐसे करके, आसमान में मज़े लूँगा यार भाई। और जितने मज़े पक्षियों के होते हैं ना, ऊपर उड़ते रहते हैं ऊपर उड़ते रहते, काश मेरे पंख लगे होते यार, मैं भी यहाँ से डाई मार के ऊपर उड़ता रहता हूँ, क्या बात है। तो अगर आपको अगर कलर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि अच्छा है कुर्ता है, कलर अच्छा है, बेकार है, कैसा है, जो भी है, पर कमेंट में जरूर लिखना। और वैसे भी ना आज ना इतनी तीखी धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, इतनी चोरों वाली धूप लगी हुई है ना। और अभी टाइमिंग हो गया है शायद, मेरी 4:30 हो गए हैं, तो ये देखो तीखी वाली धूप लगी हुई है। और जो हमारे कमरे हैं ना वो तो ठंडे हैं, जैसे कमरे से बाहर निकलोगे ना तब तीखी वाली धूप लगती है, और जो हमारे कमरे अंदर है वो तो काफ़ी ठंडे हैं, हमें तो रात को कंबल लेके सोना पड़ता है।
अंदर गर्मी नहीं है, बस बाहर गर्मी है क्योंकि सामने वाली धूप है ये। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कमरे में, अभी कंबल पड़ा होगा, आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आज। आ जाओ ये, पर मैं भी सोया हुआ था, भी उठा हूं मैं, तो ये देख सकते हो। और अंदर इतनी अच्छी खासी नींद आई थी ना मुझे, ये देखो अभी कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा कि चलो, अभी थोड़ी देर पहले क्या नाम मेरा कुरियर आया था कुर्ते का, तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके आपको भी दिखा देता हूँ। अंदर का, अंदर का ठंड है यार, अच्छा माहौल है अंदर तो, और फैन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे तो गर्मियों में भी। ये ठंडा इसीलिए है ना क्योंकि अभी बारिश चली हुई है, अभी 11 तारीख तक मानसून बताया गया है कि कभी बारिश हो जाती है, सुबह धूप लगती है तो शाम को बारिश हल्की हल्की हो जाती है, तो जोर से बारिश हो जाती है, इसीलिए ठंडे हैं कमरे, ठीक है। और गर्मी भी इतनी नहीं है, अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है ना यार, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे बाहर जाओगे कड़ी धूप में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, तो तीखी वाली गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं बहुत कम जाता हूँ, जो मेन काम होते हैं सब्जी लेने, सब्जी लेने तभी जाऊंगा, या दिन में चले गया कुछ और सामान लेने के लिए, जैसे आज मैं गया था चने लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि खट्टे वाले चने मेरे फेवरेट है, तब तो थोड़ी धूप लगी थी लेकिन आराम से सेटल हो गया था। ऐसा होता है कि जब नया कॉटन का कपड़ा हम पहनते हैं ना, जो कॉटन में होता है, तो वो इस तरह का रूखा टाइप होता है, मतलब सूखड़ा हुआ होता है, ये देखो। तो अभी मैं इसको, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बियर किया हुआ था, तो अभी मैं इसको उतारूंगा, पहले इसको वॉश करूंगा, धोऊंगा, फिर आराम से अगले दिन, मतलब कि आज थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे को इसको घूमने में ले जाऊंगा, क्योंकि कॉटन तो बड़ा अच्छा होता है, मतलब सॉफ्ट वाला कॉटन है, स्टार्टिंग में तो होता ही होता है। तो चलो मैं इसको उतार के मशीन में डाल देता हूँ, तब तक आप कमेंट में जाके एक बार ठोक दो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर तो आप जरूरी कर लेना अपने दोस्तों फ्रेंडों को, भी तो पता लगेगा कि मैं नया कुर्ता लेके आया हूं। मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया मैं, और मैंने एक अच्छी सी चीज ली है जो कि हम दोनों यूज कर लेते हैं, मैं और वंदना दोनों यूज कर लेते हैं, और वो है ये लस्टर कॉस्मेटिक का 24 कैरेट गोल्ड फेयर कम्प्लेक्शन फेस पैक है ये, ये आप देख सकते हो। और जब भी मैं, मतलब कि मैं इसको हफ्ते में एक दो बार तो यूज ही कर लेता हूँ, शेव वगैरह करता हूँ तो उसके बाद तो मैं लगा लेता हूँ, तो कभी अगर वंदना ने भी दिल करता है इसका तो ये लगा लेती है, पर एक बहुत कम लगाती है, मैं ज्यादा अलग यूज करता हूँ इसको, और इससे ना इतना ग्लो आता है कि यार पूछो मत, मेरा तो फेस एकदम चमक जाता है, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, जाने से पहले ही मैं इसको लगा के। 24 कैरेट का है, गोल्ड का, तो आप सोच सकते हो 24 कैरेट गोल्ड जब मैं फेस पे लगेगा मेरे, तो ग्लो तो ऑब्वियसली बात है होगा ना। ओके, बाय बाय।